तूने सुबह उठ के सन देखा, मैंने सुबह उठ के गन देखा, बन देखा, मन देखा, कटरा में जेल देखा, स्कूल टाइम में फेम देखा, सबको सेम देखा यार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रैप पॉट्स रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एमसी स्टैन के बारे में, एमसी स्टैन की म्यूजिक के बारे में, और एमसी स्टैन ने कैसे अपने हेटर्स को फैन में कन्वर्ट कर दिया, उस जर्नी के बारे में। दिख रहा मेरे को आसमान, खून बिन आउट बीच आई एम आउट, बॉडी मेरी साथ छोड़ रही सांस। तो इस वीडियो में हम लोग एज एमसी स्टैन की म्यूजिक से खुद सीख पाएंगे कि हमें एज ए इमर्जिंग आर्टिस्ट, एज ए ग्रोइंग आर्टिस्ट, हम ऐसे अपने म्यूजिक में क्या काम करें जो कि हम भी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए एज ए म्यूजिशियन और एज ए हिप हॉप और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। सो ये वीडियो भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूंगा, तो आप जिस भी पार्ट में इंटरेस्टेड हो आप स्किप करके वो पार्ट को डायरेक्टली देख सकते हो। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट, हाउ आई गेट इंट्रोड्यूस टू एमसी स्टैन, और मैंने एमसी स्टैन को पहली बार कैसे सुना। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं नहीं, ज्यादातर लोगों ने एमसी स्टैन को तब सुना था जब रफ्तार और एमिवे का बीफ हुआ था। वो लाइन कौन भूल सकता है जिसमें एमिवे ने बोला था ममड़ा ममड़ा एंड रेस्ट यू नो। तो लाइक बहुत पॉपुलर हुआ और लोग सर्च करने लगे कि एमसी स्टैन कौन है। उसके पहले भी एमसी स्टैन के फैंस थे जो उसके गाने सुनते थे, पर बहुत सारे लोग रफ्तार और एमिवे की वजह से एमसी स्टैन के पास गए। एंड द गुड थिंग इज एमसी स्टैन ने उन लोगों को कभी वापस नहीं आने दिया विथ हिज वर्क। उनको बहुत अच्छा अपना काम दिखाया एंड दोज पीपल वेयर कन्वर्टेड टू द सब्सक्राइबर ऑफ एमसी स्टैन। और सेम काम एमिवे बंटाई ने भी किया, जो एमिवे बंटाई के पास फैंस आए रफ्तार की वजह से, एमिवे बंटाई ने उन फैंस को या उन लोगों को अपना परमानेंट फैन बना लिया, अपना परमानेंट सब्सक्राइबर बना लिया। सो नाउ लेट्स कम बैक टू एमसी स्टैन। सो एमसी स्टैन को मैंने तब सुना था और उनका पहला गाना जो था वो था वटा, जो मैंने पहली बार सुना। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एमसी स्टैन वाज I don't like him. I don't like his music. I don't like, not music, but I don't like him as a lyrical rapper. क्योंकि मैं उस समय सिर्फ lyrics पे जाता था. मैं ज़्यादा focus होता था lyrics पे. और उस समय मैं music production भी नहीं करता था. तो मेरे दिमाग में जब मैं गाना सुनता था तो the first thing which comes to my mind usually was the lyrics. तो मुझे MC Stan के lyrics पसंद नहीं आए. पर मुझे एक चीज बहुत पसंद आया था MC Stan के उस song में वटा में, उस वटा का music video. Then, MC Stan जैसे गाने आते थे, मैं MC Stan के सिर्फ गाने उस समय सुनता था और बाद में उसे अपने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करता था। और मैं बताऊंगा कैसे तड़ी पार के सारे गाने मेरे प्लेलिस्ट में हैं, मैं उस पॉइंट पे आऊंगा। पर नाउ जब स्टार्टिंग में MC Stan को सुनता था, आई यूज टू लिसन हिम ओनली वंस, और उसके बाद मैं छोड़ देता था, मैं वापस नहीं सुनता था क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू कंपेयर्ड विथ हिम ओम प्रकाश मिश्रा एंड डिंचक पूजा। मैं गलत था, मुझे पता है मैं गलत था, आई वॉज टोटली रॉन्ग, पर मैं कंपेयर करता था। उस समय ऐसा सीन भी था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डिस कल्चर की ओर जा रहे थे एंड पीपल वेयर हेटिंग एमसी स्टैन बिकॉज ऑफ नो रीजन। लोगों ने उसकी म्यूजिक को अच्छे से सुना नहीं था, समझा नहीं था, एंड सेम गोज टू मी। फिर धीरे धीरे एमसी स्टैन ने अपने गाने निकाले और मैं उनके गाने सुनता था और मुझे धीरे धीरे उनके गाने पहले वाले गाने से पसंद आने लगे। मतलब उनकी उससे पिछले वाले गाने से अगला ट्रैक लगता था ये इससे अच्छा है, अगला ट्रैक इससे अच्छा है, अगला ट्रैक इससे अच्छा है। देन वन सॉन्ग केम विच चेंज्ड माई माइंड सेट, माई थिंकिंग अबाउट एमसी स्टैन इन होल डिफरेंट लेवल। द नेम ऑफ द सॉन्ग वॉज अस्तगफिरुल्लाह। वो गाना बहुत डिफरेंट गाना था जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था एमसी स्टैन से। अगर शायद वो गाना नहीं आता तो आज मैं एमसी स्टैन का फैन नहीं होता, क्योंकि दैट सॉन्ग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्टिंग ए हेटर, नॉट ए हेटर, नॉट एमसी स्टैन फैन टू एमसी स्टैन फैन। तो एक्चुअली मैंने जब वो गाना पहली बार सुना, आई लव द सॉन्ग, आई लव द लिरिक्स, और मुझे म्यूजिक बहुत पसंद आया। The video of the song was very good and the way he acted on the video was also very good. Now let's talk about his music. MC Stan ka music, how his music is different and how MC Stan sounds different from the other rappers. अगर आप एमसी स्टैन को पहली बार सुनोगे
एमसी स्टैन आपको अच्छा लगे या ना लगे, एमसी स्टैन का म्यूजिक आपको वो यूनिक जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि एमसी स्टैन का म्यूजिक बहुत डिफरेंट होता है। आई डोंट नो कि जैसे एमसी स्टैन अपने हर गाने में लिखते हैं कि उन्होंने म्यूजिक खुद बनाया है, खुद म्यूजिक मिक्स मास्टर किया है, तो मैं एग्री करता हूँ उस बात को कि एमसी स्टैन खुद बनाते होंगे। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड घोस्ट प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए घोस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो अपने नाम नहीं बताते और ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे अगर एमसी स्टैन घोस्ट प्रोड्यूस भी करते होंगे तो दैट्स नॉट ए इशू, बहुत सारे रैपर्स और बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं। पर एमसी स्टैन का जो म्यूजिक है वो बहुत डिफरेंट है। इफ यू लिसन टू हिज म्यूजिक क्लोजली, वो मेलोडीज के साथ बहुत खेलते हैं और ड्रामेटिक ड्रामेटिक बीट चेंजेस होते हैं, लाइक ड्रामेटिक वो ड्रामेटाइज करते हैं बहुत ज्यादा बीट को। और उनका जो अरेंजमेंट अरेंजमेंट होता है बीट का, जो स्नेयर हाई हैट और ड्रम्स का अरेंजमेंट है, वो भी बहुत डिफरेंट होता है बाकी जो रैपर्स है उनसे, या फिर बाकी जो टिपिकल हिप हॉप या ट्रैप बीट है उनसे। एंड ही हैज और उनके सारे सॉन्ग में डार्क वाइब होता है और बहुत अलग साउंड करता है। जब मैंने बटावी पहली बार सुना था, उसका म्यूजिक बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग साउंड कर रहा था, मुझे उसका म्यूजिक भी पसंद आया था। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, हाउ आई बिकेम एमसी स्टैन फैन आफ्टर रिलीज ऑफ तड़ी पार। जैसे तड़ी पार रिलीज हुआ, तड़ी पार से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। इफ यू टॉक अबाउट द बिग आर्टिस्ट लाइक रफ्तार, एमवे बंटाई, इक्का ने एमसी स्टैन की तारीफ करी है और बोला है कि एमसी स्टैन इज अ गुड आर्टिस्ट, एंड इक्का ने बोला है कि ही विल लव टू कोलैब विद एमसी स्टैन। रफ्तार ने अभी एक इंस्टाग्राम लाइव में एमसी स्टैन के साथ वीडियो डाला था इन विच दे बोथ वेर चिलिंग टुगेदर। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट एमसी स्टैन की वर्क की उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। और मैंने तड़ी पार जब सुना तो मुझे बहुत पसंद आया पूरा एल्बम। और एक गाना जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो था आमीन। जब मैंने आमीन गाना सुना, फ्रॉम द वीडियो टू द लिरिक्स टू द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग, ऑल थ्री कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, और मुझे वो गाना बहुत पसंद आया। एंड दिस वॉज द फर्स्ट सॉन्ग जो पहली बार मेरे प्लेलिस्ट में ऐड हुआ एमसी स्टैन का। देन आई रियलाइज कि मैं अपने आप को फोर्स करता था कि मुझे अगर एमसी स्टैन के गाने पसंद भी आ रहे होते थे तो मुझे लगता था कि हाउ आई कैन लाइक एमसी स्टैन, एमसी स्टैन इज नॉट माई काइंड ऑफ आर्टिस्ट, वो अच्छे गाने नहीं बनाता, आई एम नॉट ए फैन ऑफ एमसी स्टैन। मैं अपने आप को फोर्स करता था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जस्ट लेट इट बी, आप अपने आप को फोर्स मत करो। अगर आपको कोई आर्टिस्ट सुनने के बाद पसंद आ रहा है तो जस्ट बिकॉज वो आपकी फेवरेट आर्टिस्ट का अपोनेंट है, या फिर उसने अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिस किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस आर्टिस्ट को हेट करोगे, आप उस आर्टिस्ट को कहोगे कि वो ट्रैश है और बेकार गाने बनाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप उस आर्टिस्ट के गाने को ध्यान से सुनोगे, उसके काम को ध्यान से सुनोगे, देन यू विल रियलाइज दैट हाउ गुड इट इज। जो मैंने अभी मुझे अभी जाके रियलाइज हुआ एमसी स्टैन के बारे में। मुझे पहले ऐसा लगता था कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एमसी स्टैन इज अ गुड आर्टिस्ट, मुझे पसंद नहीं आता, मैं उसके म्यूजिक के साथ रिलेट नहीं कर पाता। पर मुझे अब लगता है कि आई पुस्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कभी एमसी स्टैन को फ्री होके सुनने नहीं दिया, मैंने अपने माइंड को कभी फ्री नहीं छोड़ा कि तुम एमसी स्टैन को एज ए नॉर्मल आर्टिस्ट सुन पाओ। जब मैंने ऐसा किया देन आई बिकेम एमसी स्टैन फैन। सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी दूसरे रैपर्स के ऊपर मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं और उनके म्यूजिक को समझूं और उनके म्यूजिकल जर्नी को समझूं कि वो कैसे इतने बड़े रैपर बने। अगर आपको आपका कोई सजेशन है, आप किसी रैपर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उस रैपर को फीचर करूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज कमेंट में सजेशन देना अपना। और अगर कोई फीडबैक होगा कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या ऐड कर सकता हूँ इस सीरीज में, अंडरस्टैंडिंग द म्यूजिक ऑफ ए आर्टिस्ट में, तो आप प्लीज बताना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, और थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन।